अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज एक्सरसाइज 5.2 का मैं आपको 5.2 मैट्रिक मैथ में जो हमको चल रहा है हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करके बताता हूँ। 2 का पार्ट नंबर 3 वो कहता है कि क्वेश्चन है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, बल्कि हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं 4 की बजाय, क्योंकि ये करने के साथ वो भी सॉल्व हो जाएगा। 8 है, 4 है और 1, इसको करते हैं सॉल्व। a पावर 8 प्लस a पावर 4 प्लस 1, इसका बेहतरीन तरीका ये होता है फर्स्ट और लास्ट को हम अपने इकट्ठा मिलाएंगे, ये बन जाएगा a पावर 8 प्लस 1 और प्लस a पावर 4 को सेपरेट कर देंगे। इन दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे a पावर 2 पावर 3 तो 2 2 4, 4 2 8 प्लस 1 पावर 3, 8 और 1 पावर 3, 2 3 6 वैसे बनता है, लेकिन जब हम इसको पावर 2 पावर 3 करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8 बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और ये देखें a पावर 4 को सेपरेट कर देते हैं। हम क्या करेंगे कि इसमें एक फार्मूला लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें या फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं बेटा, बेसिकली इसमें हम ऐसे करते हैं a पावर 4 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस a पावर 4, इसमें ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इसमें देखें a की जगह पर क्या आ जाएगा, a पावर 4 और b की जगह पर क्या आएगा 1। हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम करने लगेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसमें जब हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, देखेंगे क्या चीज़ मौजूद है और क्या चाहिए। तो a की जगह पर हम लिखते हैं a 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, a 4 इसका स्क्वायर प्लस 2 a 4 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये a 8 प्लस 2 a पावर 4 प्लस 1 a 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखो कि ये चीज़ जो है हमारे पास ये a8 प्लस 1 तो है ये नहीं है, तो हम इसमें इस इक्वेशन के अंदर इस वाली में बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ये चीज़ एक्स्ट्रा, इसी को हम 2a पावर 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या है, 1 है a 8 प्लस 1 इज प्लस a पावर 4, इस जगह पर हम a पावर 8 प्लस 2a पावर 4 प्लस 1 और ये प्लस a पावर 4 माइनस 2a पावर 4, ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये ऐड कर दिया। अब ये पूरा जो है ये फार्मूला किस जगह है, a 4 प्लस 1 का, यहाँ से लेके यहाँ तक किस चीज़ का फॉर्मूला है, a 4 प्लस 1 होल स्क्वायर और ये माइनस 2a 4 है, ये प्लस 2a मतलब माइनस a पावर 4 रह जाएगा, दो में से एक निकालेंगे, 2 माइनस 1 इज़ 1। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इसको दूसरा फार्मूला बना लेंगे दोबारा से, a 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a 4 1, इसको एक दफ़ा हम लिख लेंगे a 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a 2 पावर 2, तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा
ए फोर प्लस वन देन प्लस ए स्क्वायर और ए फोर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन ए फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन। इसमें हम प्लस वाले को दोबारा सॉल्यूशन करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो फिर इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। अब हम उसी तरह ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, इसमें हम लिखेंगे ए फोर प्लस वन को सेपरेट फिर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम इसमें, आप देखिए कि ए फोर, ये फिर फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे तो हमारे पास ए क्या है, ए स्क्वायर, बी क्या है, वन। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से दोबारा करेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए फोर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस वन, तो ए स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब ये डबल हमारा काम हो गया। अब ये देखें, हमारे पास ये था, ये सपोज हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर टू, ए फोर प्लस वन तो है टू ए स्क्वायर, तो लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू ए स्क्वायर इन इक्वेशन टू इस वाली। तो ए फोर प्लस टू ए स्क्वायर ये प्लस वन, इसकी जगह पर साथ में जैसे हमने यहाँ रखा था आगे उसके है प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस टू ए स्क्वायर। क्यों, ये प्लस किया तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, ये फार्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर का। यहाँ से बनेगा टू माइनस वन माइनस ए स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे इसको, हम अगर ऐसे लिख दें तो एक दफ़ा ये पूरा ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। अब ये जो इक्वेशन हमारी, सपोज इसको हम स्टार कह देते हैं, यहाँ लिखेंगे स्टार इक्वेशन बिकम्स। तो ये पूरी की जगह पर हमने, ये तो ऐसे ही था हमारे पास, इसको एज इट इज रहने दिया ए स्क्वायर फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, और इसको सॉल्व किया तो इसकी जगह पर ये आंसर आया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। तो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसमें आपने देखा कि जब हमने इसकी जगह पर ये वैल्यू जो ली थी हमने, इसके में इस माइनस वाले को हमेशा छोड़ देते हैं, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। इस प्लस को यहाँ हमने पूरा सॉल्व किया, ये आपके सामने जिस तरीके से पूरा सॉल्व हुआ, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्लस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, दोबारा हमारे पास क्या वैल्यू आ गई। इस पूरे की जगह पर इसको तो एज इट इज़ लिख दिया, इसकी जगह पर ये दोनों वैल्यूज लिख दी, ये वाली। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है पेपर में अगर आता है तो इसके अंदर लिखा जाता है कि इस फैक्टराइज इट, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इसको किस मेथड से करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट से। इसका मेथड जो है हमारे पास वो यही है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट से हम करेंगे, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो इसके दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।